जिम्मेदारी है, कई कई जिम्मेदारी है, आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं। राजेंद्र जी, आजकल पार्टी के अंदर जो चल रहा है और पार्टी की जिम्मेदारी आपको मिली है, पार्टी का विस्तार कैसे चल रहा है? जी धन्यवाद, हमें तो किसी मीडिया वाले नज़दीक भी नहीं आने देते हैं। मैं आपकी एसएम न्यूज़ की बहुत बहुत शुक्रिया अदा, बहुत धन्यवाद, थैंक्सफुल कहता हूँ। पार्टी की राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के हम नोटिस, और मुझे पार्टी ने जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है नोटिस की, प्लस पूरा ऑल इंडिया की। मैं मध्य प्रदेश में बहुत सक्रिय से काम कर रहा हूँ डॉक्टर विजय के साथ, मिस्टर मौर्या जी हैं, हम हाल ही में जो है एक मीटिंग करके आए हैं। अच्छा, नोटिस के बारे में जो है हम बहुत जल्दी इसके रिजल्ट हम सबके देश के सामने हम दिखाएंगे। बीजेपी के जो नौटंकी बात जो है उसको हम देश के सामने खोल करके दिखाएंगे। वो अपनी आपको बड़ी क्लीन इमेज बताते हैं, उनकी घोटाले को जो हम कुछ दिनों में हम प्रेस न्यूज़ करने वाले हैं। तो उसका साथ साथ जो है असम में बहुत बड़ी एक इशू हो रहा है, एक माइग्रेशन वाला जो इलीगल जो माइग्रेशन वाले जो इशू हो रहे हैं, इसमें जो बीजेपी सरकार जो चाहते हैं कि हिंदुओं को जो इंडिया के सिटीजनशिप दे, इसमें मैं विस्तार से एक बार कहना चाहूँगा। असम एकॉर्ड एक बहुत बड़ा इशू है, जब असम गवर्नमेंट और इसकी बांग्लादेश की जो है जो इशू जो थे, इसमें बहुत सारे असम जो है माइनॉरिटी यानी कि जो है बांग्लादेशी जो माइग्रेशन जो रिफ्यूजी जो है असम में बहुत ज़बरदस्त, मतलब दिन दुगने चार कौन से बोलते हैं जो मतलब जो मल्टीप्लिकेशन जो है बहुत ज़बरदस्त है। असम में जो अभी एक एनआरसी के इशू आया हुआ है, एनआरसी के इशू में ये है कि असम की बंगाली और असम में जो आए हुए बांग्लादेशी जो है उसमें बीजेपी सरकार ने दो किस्म की डबल स्टैंडर्ड के बनाए हुए, यानी कि जो है हिंदुओं को सर्टिफिकेट मतलब इंडियन सिटीजनशिप देंगे और मुसलमानों को जो देश से भगाएंगे। ये कौन सा मतलब कौन से किस्म की कानून है? मतलब बीजेपी ये कहती है कि जो यहाँ के हिंदू हैं उन्हें हम सर्टिफिकेट देंगे और जो मुसलमान हैं उनको हम यहाँ से भगाएंगे। जी बिल्कुल ये कौन सा कानून कहते हैं कि भाई आप मुसलमान होंगे तो देश से बाहर जाओ और जो हिंदू होगा तो अंदर आओ? ये तो हम तो इसके जो बिल्कुल विरोध करते हैं। हम तो असम भवन के सामने प्राइम मिनिस्टर मोदी को हम इसको मेमोरेंडम देने जा रहे हैं, मिस्टर राजनाथ जी को हम उसकी जो है मेमोरेंडम देने जा रहे हैं। मिस्टर सर्वानंद सोनोवाल जो है बिल्कुल अच्छे नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ये जो है मानवता के खिलाफ वो अपनी एजेंडा चला रहे हैं। ये मुझे लगता है कि दिल्ली से उसको हुक्म दिया होगा कि मुझे ऐसे करना करके। ये देखिए कि बीजेपी सरकार ने जो जितने वादे जो किए हैं, जितनी जो बोले हैं, सबके सब जो झूठ निकले। अब उन्होंने जो 15 लाख की जो वादा किए, अभी 56 रुपये भी तो लोगों की बैंक पे आए नहीं है, बल्कि जो लोगों के बैंक से तो जो साइफन हो रहा है, मतलब पैसे को लीकेज हो रहा है। ये बहुत बड़ी जो है देश की और हमारे लोगों को जो नीचे स्तर की जो लोग हैं, SC ST है, माइनॉरिटी है, उनको भी बीजेपी की सरकार देखने नहीं चाहते हैं इसको। हम इसके खिलाफ बिल्कुल बहुत ज़ोर शोर से आवाज़ उठा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में जो है बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम जो है हमारे जो नॉर्थ ईस्ट में जो है 80% से ज़्यादा SC ST है, लेकिन SC ST को देखने के उनकी नज़रिया जो है नोट इतनी साल जो 60 साल तो कांग्रेस ने हमारे अंगूठे काट करके ले गए, अभी बीजेपी तो हमारे गर्दन काट करके जो उसको बेचने के काम कर रही है। ये बहुत बड़ी हमारे देश की डेमोक्रेसी खतरे में है। ये सर आपकी जब पार्टी सत्ता के अंदर आएगी तो आप क्या करेंगे? हमारे जो SC ST OBC भाई जो हमारे जो डेमोक्रेटिक हमारे जो राइट है, हम सबसे पहले उनको हम देने की कोशिश करेंगे। बीजेपी ने जो हमारे जो खिलाफ जो काम करेंगे हम सुधारने की कोशिश करेंगे। हम 2019 में हम जरूर आएंगे, 2019 जो है हमारे जो एक डिसाइसिव फैक्टर होंगे। हम दिखावा की नहीं बोले, हम बिल्कुल आप करके दिखाएंगे, देश की जनता बताएगी कि बीजेपी से कितना मतलब परेशान है। GST ने सबसे पहले तो डीमोनिटाइजेशन है, लोगों को मार दी, छोटी जो ट्रेडर जो है सबको मार दी, प्लस उसके बाद जो है कुछ दिनों के बाद जो है GST ने लोगों को मार, GST में अभी ये दावा करते कि GST की जो असर खत्म हो गया, अभी मार्केट जो है अभी बाउंस होने लगे। कोई अब मार्केट में रियलिटी आप मार्केट में जाकर के देखें ना, अब जो 1.5 लाख की जो सूट पहनने वाला जो बंदा जो है वो मार्केट में जो क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, उसको थोड़ी ना पता है। जो बीजेपी की सरकार तो अब 2019 में नहीं आने वाला, ये जो हम अपनी दावा थोपते हैं।